हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे मशरूम, जिसके लिए हमें देखिए क्या क्या चाहिए होगा। ये मैंने 3 पैकेट मशरूम लिए हैं, इनको मैंने धोकर और काटकर रख लिया है। 3 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। 3 यहाँ पर टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने रफली चॉप करके रख लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 10 से 12 लहसुन की कलियां ली हैं। 2 चम्मच मैंने फ्रेश मलाई ली है, 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच किचन किंग मसाला, हरा धनिया लिया है बारीक कटा हुआ, आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधे चम्मच जीरा, हमें चाहिए होगा हींग और ऑयल। चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। ये मैंने कढ़ाई में 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लिया है। इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी रफली चॉप किए हुए अनियन डाल दूंगी और इनको हल्का सोटे कर लूंगी। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक और रफली चॉप किया हुआ टमाटर, इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम पर सॉफ्ट होने तक इसको अच्छे से कुक कर लूंगी। चलिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं और मैं इसको चेक कर लेती हूँ। लीजिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको एक अलग बर्तन में निकाल लूंगी ताकि हमारा जो ये प्याज और टमाटर का ठंडे हो जाएं। चलिए एक तरफ हम मसाले को ठंडा होने देते हैं और फिर से हमने इसी कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है। अब इसको मैं गर्म कर लूँगी और इसमें मशरूम को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। लीजिए फ्रेंड, ऑयल गर्म हो चुका है। इसी के साथ में इसमें ये मशरूम डाल दूँगी और इनको फ्राई कर लूँगी हाई फ्लेम पर और दूसरी तरफ हमारा मसाला भी ठंडा हो रहा है। जल्दी से हम इन मशरूम को फ्राई कर लेते हैं। लीजिए ये देखिए मशरूम ने कितना पानी छोड़ दिया है। हम इसको जब तक फ्राई करेंगे, जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए अच्छे से, इसको मैं 1 से 2 मिनट के लिए और कर लूँगी। ये देखिए मशरूम हमारी कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। इनको हम ये जो पानी है, जब तक इसको फ्राई करेंगे तब तक ये पानी अच्छे से सूख ना जाए और हमारी जो मशरूम है वो भी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। लीजिए मशरूम हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए अब मैं इनको एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी। इसी के साथ मैं फिर से कढ़ाई में 4 से 5 चम्मच तेल डालकर गरम कर लूँगी और दूसरी तरफ हमारा मसाला भी ठंडा हो चुका है, उसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। चलिए अब हम अपने मसाले को अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए हमारा मसाला थोड़ा पिस चुका है। इसी के साथ में ये जो मेरे पास फ्रेश मलाई है ये डाल दूंगी मैं इसमें और इसको डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूँगी। ये मसाला भी हमारा अच्छे से पिस चुका है। चलिए दूसरी तरफ हम ऑयल चेक कर लेते हैं।
लीजिए, ऑयल भी अब गर्म हो चुका है, इसी के साथ मैं डाल दूंगी इसमें जीरा, एक चुटकी हींग डाल दूंगी और गैस की फ्लेम को मैं मीडियम ही रखूंगी। लीजिए, हींग और जीरा भून चुके हैं, इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी मसाले, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूंगी मीडियम फ्लेम पर, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। साथ ही मैं इसमें ये पेस्ट डाल दूंगी। और इसको डालकर अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी, गैस की फ्लेम को मैं हाई कर लूंगी और अच्छे से इसको मिक्स कर दूंगी। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लूंगी। लीजिए, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी नमक और किचन किंग मसाला और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी और इसको 1 मिनट के लिए भून लूंगी। लीजिए, मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और मसाले ने तेल भी छोड़ दिया है। इसी के साथ मैं ये डाल दूंगी मशरूम और इनको डालकर अच्छे से मसाले में मिक्स कर दूंगी। इसी के साथ मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड कर दूंगी और इसको भी डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए पका लूंगी। लीजिए फ्रेंड, 1 से 2 मिनट हो चुके हैं, अब मैं इसमें फ्रेश हरा धनिया डाल दूंगी और इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए, गैस की फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और इसको सर्व कर दूंगी। लीजिए फ्रेंड, गर्मा गर्म गोवा मशरूम बनकर खाने के लिए तैयार हैं। आप इनको रुमाली रोटी के साथ खाइए, ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।